स्टूडेंट यू आर वेलकम इन अवर इंग्लिश क्लास. आई एम माधुरी भारद्वाज. आई एम योर इंग्लिश टीचर. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर लेसन नंबर 2, डायमंड नेकलेस. इस लेसन में हमने पढ़ा था कि जो मैथिल रहती है उसकी जो शादी रहती है वो मिस्टर लॉयसल के साथ में हो जाती है. और मिस्टर लॉयसल कौन रहते हैं? वो एक क्लर्क रहते हैं. मतलब इतने ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है, परंतु उसकी शादी ऐसी नहीं होती. वो बहुत एक्सपेक्ट करती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डाउरी मिल जाए, मतलब दहेज मिल जाए, परंतु उसको दहेज भी नहीं मिलता है. वो देखने दिखाने में बहुत सुंदर होती है, बहुत प्रीटी रहती है, चार्मिंग रहती है और बहुत एम्बिशियस भी रहती है. और वो यही चाहती है कि वो हमेशा लग्जरी लाइफ को ही व्यतीत करे, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है. उसके हिसाब से उसकी जो शादी होती है वो अच्छी जगह नहीं हुई है. और वो उसको पार्टी में जाना अच्छा लगता है, इन्जॉयमेंट करना बहुत अच्छा लगता है. देखते हैं उसके आगे क्या होता है. शी हैज नो गाउन. अब जैसे वो डिनर पर जाना चाहती है, डिनर पर जाती है. व्हेन शी सेट डाउन टू डिनर, डिनर के लिए वो जैसे ही बैठती है, बिफोर द राउंड टेबल कवर्ड विथ अ टेबल क्लॉथ. वो जो राउंड टेबल रहती है वो टेबल क्लॉथ से कवर्ड रहती है. इन यूज ऑफ द 3 डेज अपोजिट हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के अपोजिट साइड में बैठती है. एंड हू अनकवर्ड द सूप, जो सूप रहता है वो अनकवर्ड रहता है. एंड डिक्लेयर विद द डिलाइटेड ओम गुड सूप, कहता है ये सूप तो बहुत अच्छा है. आई डोंट नो एनीथिंग बेटर देन दैट, मुझे तो इससे अच्छा ज़्यादा प्रतीत ही नहीं होता है. शी थॉट ऑफ द डेंटी डिनर, वो डेंटी डिनर के बारे में सोचती है. एंड द शाइनिंग सिल्वरवेयर, और वो जो चांदी जैसे जो बर्तन चमक रहे होते हैं उनकी तरफ ध्यान देती है, उनको देखती है. एंड द स्ट्रे एंड पीपल टू द वॉक टू द एंशियन पर्सोनेज एंड विथ द स्ट्रेंज बर्ड फ्लाइंग इन द मिडस्ट ऑफ द फेरी फॉरेस्ट. एंड शी थॉट ऑफ द डिलीशियस डिशेज, और वो सोचती है डिलीशियस डिशेज के बारे में. एंड सर्व्ड ऑन द मार्वलस प्लेट, और वो जो उसके लिए प्लेट में सर्व करते हैं वो बहुत ही अच्छी होती है. एंड हिज विस्पर टू द ग्लेंट्रीज विच यू लिसन विथ आर स्पिंग्स लाइक द स्माइल. शी हैड नो गाउन, उसके पास में कोई गाउन नहीं होती है. नो ज्वेल्स, उसके पास ज्वेलरी नहीं होती है. नथिंग एंड शी लव नथिंग बट दैट शी फेल्ट द मैन फॉर वॉट शी वुड बी हैव टू लाइक टू मच एंड टू प्ले टू द एनवी टू चार्मिंग टू द थॉट आफ्टर. शी हैड अ फ्रेंड, उसकी एक फ्रेंड होती है, अ फॉर्मर स्कूलमेट, उसकी स्कूलमेट होती है, स्कूल में पढ़ती थी साथ में. एट द कन्वेंट हु वॉज द रिच, जो कि बहुत अमीर होती है. एंड वेन शी डिड नॉट लाइक टू गो टू द सी एनी मोर बिकॉज फेल्ट द सैड एंड कम होम, मतलब कि वो उसके घर आती है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो जिस तरीके की लाइफ में रहती है उसको ऐसा लगता है कि मेरी फ्रेंड ऐसा कहेंगी कि मैं तो ऐसी लाइफ जी रही हूँ. इसलिए वो यही कहती है कि मेरी लाइफ ऐसी है, तो इसलिए वो उससे मिलती नहीं है. बट वन ईवनिंग हर हस्बैंड कम होम, एक बार शाम के समय उसके हस्बैंड उसके घर, मतलब घर आते हैं विथ अ ट्रम्फेंट एयर एंड होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड. और जब वो आते हैं तो अपने साथ में एक बहुत बड़ा एनवेलप जो है वो उसको लेकर के आते हैं. देयर सेड ही, देयर इज समथिंग फॉर यू, और उसको कहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ है इसमें. शी टोर द पेपर, वो पेपर को फाड़ती है क्विकली एंड ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड विच बोर्ड दीज वर्ड, और वो उस कार्ड को ओपन करती है. द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन ऑफ, वो इस डिपार्टमेंट में जॉब करता है, द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन. एंड मैडम ग्रोस इज रैम्पेंट द रिक्वेस्टेड दैट द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयसल्स कंपनी एट द पैलेस ऑफ द मिनिस्ट्री एंड मंडे इवनिंग जनवरी 18. 18 जनवरी को मंडे के दिन शाम के समय पार्टी में मैडम और मिस्टर लॉयसल और मिसेस लॉयसल दोनों को इनवाइट किया है, मतलब इनविटेशन कार्ड रहता है. इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, वो एक्सपेक्टेशन तो यही करता है
कि ये बहुत इतना सुन करके बहुत खुश हो जाएगी, है ना। परंतु क्या एग्जैक्टली वो खुश हो पाती है? लेकिन वो इतना खुश तो नहीं होती। एस हर हस्बैंड हेड टू द होप, उसके हस्बैंड यही आशा करते हैं कि वो खुश होगी, परंतु वो खुश तो नहीं होती है। शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल, वो टेबल के ऊपर अपना इन्विटेशन जो है वो रख देती है। क्रॉसली द मदर, व्हाट डू यू विश मी टू डू विद दैट, तुम मेरे से क्या आशा करते हो? वो ऐसा कहती है, तुम मुझसे क्या आशा करते हो? व्हाई माय डियर, ऐसा क्यों? आई थॉट यू वुड बी ग्लैड, उसने कहा मैं तो यही सोचती हूँ कि तुम तो बड़े खुश होगे। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज सच अ फाइन अपॉर्चुनिटी, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई हैड ग्रेट ट्रबल टू गेट इट, मुझे इसे प्राप्त करने में बहुत परेशानी हुई है, क्योंकि इतने ईजीली से सभी को नहीं मिल जाता है। एवरीवन वांटेड टू गो, हर इंसान जाना चाहता है पार्टी में, इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और ये सेलेक्टेड लोगों को ही मिलता है। एंड दे आर नॉट गिविंग मैनी इन्विटेशन टू द क्लर्क, और जो क्लर्क है, क्लर्क को बहुत सारे जो इन्विटेशन हैं वो देते नहीं हैं। द होल ऑफिशियल वर्ल्ड विल बी देयर, जो पूरा ऑफिशियल जो वर्ल्ड है वो पूरा वहाँ पर है। It's enough for today. We will continue tomorrow. Thank you so much.